नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महान शख्सियत पर जिनका नाम है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी की 105वीं जयंती कल पूरा प्रदेश मनाएगा 25 सितंबर 2018 को। चौधरी देवीलाल जी का जन्म 25 सितंबर 1914 को सिरसा जिला के तेजाखेड़ा गांव में हुआ। हालांकि बाद में वह चौटाला गांव में जाकर बसे। उनका पूरा जीवन लगभग चौटाला गांव में बीता, लेकिन वह गांव से ज़्यादा देश में, पंजाब में अपना स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े। छोटी आयु में ही वह जब मोगा में पढ़ाई कर रहे थे, प्राइमरी की पढ़ाई करने के बाद वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, हरियाणा के निर्माता कहे जाते हैं। आज उनके अनछुए छुए पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो सिरसा के वरिष्ठ पत्रकार, श्री अमर सिंह जानी जी जो इंडिया न्यूज़ के विशेष संवाददाता हैं, और हमारे साथ हैं गुरजीत मान जी जो वेब के पुराने वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। आज हम जानेंगे चौधरी देवीलाल की क्या खासियत थी जो उन्हें जन नेता के रूप में पूरे देश में जाना जाता था। अमर सिंह जी, आप लंबे समय से सिरसा से जुड़े हुए हैं, सिरसा में पत्रकार हैं, चौधरी देवीलाल के बारे में आपने किससे सुने होंगे, क्या थी आपके मन में उनकी छवि क्या है? भाटिया, सबसे पहले तो उनके 105वें जन्मदिवस पर उनके नमन करते हैं। और जहाँ तक आपने उनके बारे में सुना, वो आपने खुद कहा कि किस तरह से वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था का नाम थे। और चौधरी देवीलाल के बारे में जितनी बातें आई, वो उनके सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी एक वर्ग विशेष के हित के लिए नाम करते थे। वो सभी वर्गों के हितैषी थे, खास करके जो आज भी उनको जाना जाता है, वो कमेरे वर्ग है चाहे किसान है, उनके लिए उनका जाना जाता है कि किस तरह से उन्होंने ये बातें शुरू की। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जब उन्होंने सबसे पहले ट्रैक्टर का लाइसेंस रद्द किया था, ट्रैक्टर को लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और गड्ढा कहना शुरू कर दिया था, तो किसानों भी इस बात की खुशी थी। और आज जिस पेंशन को लेकर के आपस में राजनीतिक एक दूसरे कहते हैं कि हम इतनी पेंशन करेंगे, इतनी पेंशन करेंगे, लेकिन ताऊ देवीलाल ने जिसमें पेंशन की थी उसमें उनके विरोधियों ने मजाक उड़ाया था, क्या ये संभव हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक दशकत से पेंशन की। आज वो पेंशन लगातार 3000 के लगभग पहुंचने वाली है, और ये सब उन्हीं के देन थी। अमर सिंह जी, आप थोड़ा सा लंबा उनके जीवन में मध्यकाल में ले गए जब वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मैं उनका एक अनछुआ पहलू, हालांकि कामेरे वर्ग का उनको कहा जाता है, वो सबसे बड़े वो अलंबरदार थे, कामेरे वर्ग की बात उठाने वाला, बहुत बड़ी बात है। अमर सिंह जी और गुरजीत मान जी एक बहुत बड़े जिम्मेदार के, जिस जो स्वयं बड़ा जिम्मेदार हो और वो मुजाहरों की बात करे, ये कहना जो है ना बहुत आसान है। आज एक 10-20 एकड़ का जिम्मेदार भी अपना मुजाहरा रख लेता है तो उसको वो कमी के रूप में देखता है, उसको परवाह नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता। और चौधरी देवीलाल जी के परिवार के बारे में शायद सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन हजारों बीघा जमीन उनके परिवार के पास थी, और उन्होंने उस समय मुजारा आंदोलन की बात की और मुजारों के हक में आवाज उठाई। ये बात है जब वे 1952 में पहली बार एमएलए बने, और बहुत कम लोगों को आज की पीढ़ी को पता होगा वो कांग्रेस के एमएलए थे। लगभग 1962 तक वो कांग्रेस में रहे, और जब प्रताप सिंह कैरों जो संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे तो उसके विरुद्ध भी वो आवाज उठाते थे। वो लड़ाके थे जीवन में, उन्होंने बचपन में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनके परिवार ने उनको मोगा के सरकारी स्कूल में जो है शिक्षा के लिए भेजा था, तो वहीं से उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। और उनके जो बड़े भाई चौधरी साहब राम जी का मैं नाम इसलिए लेना चाहूँगा, वो 1937 में MLC बने, 1952 नहीं, 1937 में चौधरी साहब राम जी जो उनके बड़े भाई थे, वो MLC की बात कर रहा हूँ, 1952 में वो MLC बने थे। और नहीं, वो अंग्रेज जो अंग्रेज गवर्नमेंट है, हो सकता है मैं अंग्रेज गवर्नमेंट के टाइम में जो विधान परिषद बनी थी तो उसके वो सदस्य बने थे।
और वो बाद में भी सदस्य बने, लेकिन चौधरी साहब राम जी जो उनके बड़े भाई थे वो राजनीति में पहले से थे। चौधरी देवीलाल जी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो मान साहब जो आप बात कर रहे थे उनके बारे में क्या जानकारी? मैं यही कहना चाहता था कि एक तो देखो उनके परिवार के सदस्य, उनके बड़े भाई भी राजनीति में थे, आजादी के टाइम से वो लगे हुए थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस जब नहीं पसंद आई तो सर छोटू राम के कहने पर उन्होंने इस चीज का विरोध किया और आम आदमी के साथ खड़े होने की हमेशा के लिए उन्होंने एक जरूरत दिखाई। एक मुझे जो बड़ा अंतर उनकी तरह की पॉलिटिक्स में लगता है कि वो बड़े सरल स्वभाव के थे, जो आम तौर पर हर पॉलिटिशियन बड़ा श्रूड होता है, अंदर बाहर का अंतर होता है, उन्होंने जो कह देना वो उस पर बिल्कुल पक्के रहते थे, चाहे वो बात किसी को सुहावनी लगे या ना लगे, लेकिन उनके मन में जो बात होती थी वही वो बाहर कर देते थे। आजकल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, कोई भी आप रोजी करते हैं कि इस चीज़ की भी उन्होंने कभी चेष्टा नहीं की कि मैंने ये किया है। जैसे जानी साहब ने पेंशन की बात की तो उसका कोई लंबा चौड़ा बढ़ चढ़ कर उन्होंने प्रचार नहीं किया, जैसे आजकल प्रचार का टाइम है। इसी प्रकार वो मीडिया से भी जब भी कभी बात करते थे, आपका तो शायद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, उसमें भी कोई बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से बात नहीं करते थे। आज पॉलिटिशियन बड़ी उसकी प्रोज एंड कॉन्स देखकर कोई स्टेटमेंट देता है कि इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं निकल आएगा, इस बात की उन्होंने मुझे लगता है कभी परवाह नहीं। नहीं, जो मान साहब आपने बात की, मेरा अपना कई बार का एक्सपीरियंस ये रहा, वो इतने सरल थे, वो कई बार ऐसी बात कह जाते थे जिसका असर बहुत लंबे अरसे बाद भी असर रहता था। दो तीन बातें हैं जो उन्होंने कही। एक बार उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्री उनके पास थी, कुछ डॉक्यूमेंट थे, तो उन्होंने हमें अपनी कोठी पे बुलाया और पत्रकारों को ये बताया, ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कुछ नेता चाहे बातें तो लंबी चौड़ी करती हैं लेकिन उनका चरित्र ये है। चौधरी देवीलाल के बारे में जो आपने बात कही, उनके तीन काम आज पूरा देश उसकी फॉलो कर रहा है। सबसे बड़ा काम जब उन्होंने ये कहा था न्याय युद्ध में भी, मैं किसान का कर्जा माफ करूंगा 10,000 रुपए तक का एक कलम से, तो सभी ने विरोध किया था, बहुत ज्यादा सभी ने विरोध किया था, खास तौर पे चौधरी बंसी लाल उस समय चीफ मिनिस्टर थे 1986 में, तो वो ये कहते थे भी मैं अगर कर सकता हुआ तो मैं कर देता, कोई भी किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, चौधरी देवीलाल गुमराह कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने 10,000 तक का कर्जा माफ किया, एक बात। दूसरा, उन्होंने जब सम्मान पेंशन 100 रुपए लागू की थी, जो अब 2,000 हो चुकी है और 2,500 लोग करने की बात कह रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़े सरल स्वभाव में कहा था अगर किसी बुजुर्ग के पास 100 रुपए होंगे तो उसका पोता नाती उसके पास जाएगा तो वो उसको 5 पैसे 10 पैसे टॉफी के लिए दे सकता है। तो आज मैं, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद, मेरे भी लगभग 40 साल की पत्रकारिता के बाद, जो सीनियर लोगों को देखते हैं जिनको 1,800 रुपए पेंशन मिल रही है जो 2,000 होने जा रही है, तो मैं आज भी जानता हूँ गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं उसी पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तीसरा, जो किसान के गड्ढे के बात कही, ट्रैक्टर की बात कही, तो उसका भी बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन आज पूरा देश कर्ज माफी कर रहा है, कहीं 1,00,000 रुपए कर्जा माफी हो रहा है कर्नाटक में हो रहा है, कहीं और प्रदेशों में यूपी में भी 1,00,000 रुपए तक का कर्ज माफी की बात की है। आज भी हरियाणा को, ये सिरमौर है हरियाणा, वृद्ध अवस्था सम्मान पेंशन को जो 2,000 रुपए दे रहा है, जबकि जो अन्य प्रदेश हैं कहीं 800 रुपए कहीं 1,000 रुपए पेंशन हो रहा है। तो इसका हर जगह इसको लागू किया गया, किसी ने किसी पूरे देश में इसको लागू किया गया, जबकि उस समय इसका बहुत विरोध हुआ था। तो निश्चित रूप से चौधरी देवीलाल दूरदर्शी थे और उन्होंने जो उस समय ये जो तीन योजनाएं लागू की थी वो लागू, जो आज पूरा देश लागू कर रहा है। उसके अतिरिक्त मैं केवल एक बात और जोड़ना चाहूंगा, उसके बाद आप लोगों को लेना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति, महात्मा गांधी के बाद इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसको प्रधानमंत्री का बनने का मौका मिला हो और उसने प्रधानमंत्री बनने का अवसर अपने हाथों से यह कह के भी मेरे को तो आप सब लोग बड़ा मानते हो, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ,
मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से, जब पफ हॉर्स का मामला उठा तो चौधरी देवीलाल जी सबसे पहले वीपी सिंह को संगरिया लेके आए थे और संगरिया में उनकी पहली रैली संगरिया में हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में एंटी रामा राव, वीपी सिंह, चौधरी देवीलाल ने सारे देश में एक कांग्रेस के विरुद्ध माहौल बनाया और जनता पार्टी सत्ता में आई 89 में और संसदीय दल ने चौधरी देवीलाल को चुना प्रधानमंत्री के रूप में और उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि मैं नहीं, इसकी जगह वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। शायद ये इस बात को बहुत कम प्रचारित किया है, आज छोटे छोटे पदों के लिए लोग पीछे होते हैं और प्रधानमंत्री का पद छोड़ना शायद बहुत बड़ी बात। बिल्कुल भट्टी साहब, जिस तरह आपने कहा कि यही कारण है कि चौधरी देवीलाल केवल हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर उनको जानते थे, पूरे देश में उनका प्रभाव था। तो साउथ इंडिया जाके जिस तरह से जनता पार्टी भी शुरू में उनकी सरकार आई थी तो किस तरह से पूरे देश के अंदर वो गए थे, सभी लोगों से मिले थे। मिलने के बाद उन्होंने इस तरह से जो इनको एक बहुत बहुत बड़ा बहुमत मिला था, यही उनका कारण था कि उसमें चौधरी देवीलाल पे सारे लोग विश्वास करते थे। हाँ जी मान साहब, ये जो विश्वसनीयता की बात आपने की, ये सबसे बड़ी बात थी कि पूरे देश में लोग, चाहे उन्होंने नजदीक से चौधरी देवीलाल को एज सीएम नहीं देखा हो, लेकिन साउथ में भी जब उनका नाम लिया जाता था तो आदर से तब भी लिया जाता था, आज भी लिया जाता है। मुझे एक घटना और याद है, मैं अंत में बताना चाहूंगा पल पल के दर्शकों को। राजीव गांधी सिरसा में आए अक्टूबर शायद 87, नहीं राजीव गांधी जी आए थे 87 में ही, जब बाढ़ आई थी नेशनल हाईवे जब टूटी थी, बाढ़ आई थी, तो उस समय एक मुद्दा उठा था, चौधरी देवीलाल जी ने तूड़ी भेजी थी राजस्थान में, राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश था और राजस्थान में उस समय सूखा पड़ा था, तो वो राजीव गांधी ने उन पे व्यंग कसा था, भाई हरियाणा एक छोटा राज्य होते हुए भी अगर दूसरे राज्यों को मदद कर रहा है तो उसे शायद मदद की जरूरत नहीं। लेकिन चौधरी देवीलाल की ये महानता थी, वो जिस जगह पे भी जाते थे उन्होंने उत्तर प्रदेश राजस्थान में अगर सूखा था तो उन्होंने किसानों की वहाँ मदद की और हरियाणा से यहाँ से उन्होंने तूड़ी और चीज़ें जो हैं गेहूँ भी कुछ राज्यों में भेजा। तो चौधरी देवीलाल पे हम कितनी भी बात कर सकते हैं क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने लगभग अपने जीवन के 60 वर्ष इस जनता को समर्पित किए हैं। 2001 में 6 अप्रैल 2001 में उनका निधन हुआ, लगभग वो 2000 तक पूर्ण रूप से एक्टिव रहे और वो राजनीति में 1940 से राजनीति में वो आ गए थे। तो इस प्रकार उनका राजनीतिक जीवन जो है 60 वर्षों का उनका राजनीतिक जीवन था। तो आज हम चौधरी देवीलाल, मैं थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि आजकल जैसे सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल है, बहुत कुछ है, देवी चौधरी देवीलाल इसमें बिल्कुल विश्वास करते थे और गाहे बगाहे शायद हो सकता है आपके यहाँ भी कभी भी जब चाहे किसी भी आ जाते थे और ये सरलता भी उनको जमीन से जुड़े व्यक्ति, ग्रास रूट लेवल के व्यक्ति होने की वजह से भी लोग उनको आज भी याद करते हैं। आपने सही कहा मान साहब, वास्तव में तभी उनको लोग जननायक के रूप में याद करते हैं और न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में और विश्व में भी अनेक स्थानों पर चौधरी देवीलाल का नाम है। तो आज हम चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए उनकी जयंती पे आज इतना ही, नमस्कार।